हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ऑल इन वन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों के मौसम में आमतौर पर हमारा कुछ रिफ्रेशिंग ठंडा ठंडा पीने का मन होता है। आम पना एक ऐसा ही ड्रिंक है जो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, हमें लू लगने से भी बचाता है और रिफ्रेशिंग तो है ही, तो इसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम किस तरह बना सकते हैं और बस ठंडा ठंडा पानी मिलाइए और रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार है। तो आइए मेरे साथ मेरी किचन में मिलकर बनाते हैं आम पना। आम पना बनाने के लिए मैंने ये 3 कैरी ली हैं। आप जितना भी बनाना चाहें उसके हिसाब से कैरी ले लें और आप अब इसे उबलना रखेंगे। अब एक पैन में पानी लेंगे और इसमें हम हमारी ये कैरी को, इसको मैंने थोड़ी देर पहले भिगो करके रख दिया था जिससे इसकी गर्मी निकल जाए, और अब इस कैरी को इसमें डाल देंगे और इसे साबुत ही उबाल लेंगे। तो इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे ये कैरियां उबल जाएं। अब ये कैरी उबल चुकी हैं और अब हम इन्हें गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें बाहर निकाल लेंगे, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। कैरी को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर इन्हें छील लेंगे। अभी हमारी कैरी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, बस हमें इतनी ही देर इसे ठंडा करना था कि हमारा हाथ लग जाए, और अब इसे अच्छी तरह से छील लेंगे। इसके ऊपर से गूदा आराम से उतार लेंगे सारा, इस तरह से इसके ऊपर से सारा गुठलियों के ऊपर से पल्प निकाल लेंगे। बहुत इजीली आम के कैरी के ऊपर से ये उबालने के बाद पल्प उतर जाता है, सारा पल्प उतार लेंगे। ये मैंने सारा पल्प निकाल लिया है। अब इस पल्प को मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच चीनी, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा चीनी पसंद नहीं है इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच ही काला नमक डालेंगे। थोड़ा से काली मिर्ची, जो घर पर कुटी हुई मिर्ची है वो है, मिर्ची काली मिर्च का पाउडर नहीं है, काली मिर्च कुटी हुई काली मिर्च है, इसे डालेंगे। 1/2 चम्मच ही जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, इसे मिलाएंगे और बस अब इसे पीस लेंगे। अब ये आम पन्ने का कंसंट्रेटेड पल्प बनकर तैयार है और अब हम इसे गिलास लेंगे। गिलास में 2 चम्मच ही कंसंट्रेटेड पल्प डालेंगे। बाकी कप आम पन्ने को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, हम इसे 2-3-4 दिन तक आराम से रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए और बाद में भी पीना हो हम इसे आराम से बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया सा आम पना बनकर तैयार है, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा गर्मियों के लिए ड्रिंक तैयार है। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।